मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद आगरा प्रशासन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने में नतमस्तक दिखाई दे रहा है, जबकि मंदिरों के लाउडस्पीकर उतरवाने में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। इस बात से आक्रोशित योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को धार्मिक स्थानों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी ने सुनवाई नहीं की, जबकि केवल मंदिरों से ही लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। मंदिरों में प्रभावी रूप से कार्रवाई हो रही है, जबकि मस्जिदों की तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं है। देखिए, हम लोग आज कलेक्ट्रेट आए थे, हमें एक ज्ञापन देना था कप्तान साहब के लिए, लेकिन कप्तान साहब मिले नहीं, इसलिए हमने ज्ञापन डीएम साहब के लिए दिया है। क्योंकि अभी योगी जी ने फैसला दिया था कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों द्वारा जो पूजा अर्चना की जो भी आवाज़ें आ रही हैं, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और हमारे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर से लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया है और आगरा में भी कई मंदिरों पर से लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक ही समुदाय द्वारा हो रहा है, दूसरा समुदाय डेली पांचों टाइम अजान कर रहा है लाउड स्पीकर से, वो कानून का पालन क्यों नहीं कर रहा? क्या कानून केवल एक ही समुदाय के लिए है? ये फैसला एक समुदाय के लिए नहीं, ये सभी समुदाय के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो। और मंदिरों पर से जब लाउड स्पीकर बंद हो गए तो मस्जिदों पर ये अजानें क्यों हो रही हैं पाँचों टाइम? इसीलिए हमने आज ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब को कि इसको अवगत कराया है, बिल्कुल लिखित में दिया है, इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। यदि इसको संज्ञान में नहीं लिया गया और एक ही तरफ से लाउड स्पीकरों को बंद कराया गया तो योगी युद्ध ब्रिगेड फिर अपने हिसाब से रखिए। जी, आपने कप्तान साहब को ज्ञापन देना था, कप्तान साहब हमें नहीं मिले तो जिला मुख्यालय पर हमने जिलाधिकारी महोदय का नाम ज्ञापन सौंप दिया है। कलेक्ट्रेट पर हम लोग आए हुए हैं, हालांकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं कि कोई जुलूस वगैरह, नारेबाजी वगैरह, प्रदर्शन वगैरह नहीं होगा। हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई नारेबाजी अभद्र ऐसी नहीं की है, कानून का पालन किया है, आदेश का पालन किया है। लेकिन योगी जी ने एक आदेश और दिया है कि जो भी मस्जिदों पर, यानी कि धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सही पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनसे जो धार्मिक अर्चनाएं, पूजा अर्चनाएं, अजानें जो होती हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यानी कि जो भी माइक लगा हुआ है उससे जो भी आराधना हो रही है उससे ध्वनि जो है वो परिसर के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन मंदिरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मंदिरों पर से लाउड स्पीकर हटवा भी दिए गए हैं, मंदिरों पर पहले भी नहीं लगे थे, इक्का दुक्का कोई लगे भी थे उनको बंद करा दिया गया। मथुरा नगरी में श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी लाउड स्पीकर को हटवा दिया गया है प्रशासन ने, लेकिन आगरा की तमाम मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ ऊँची ऊँची मीनारों पर अभी भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, घुमा घुमा के 12-12, 14-14 आज भी उनसे लाउड स्पीकर से अजान हो रही है। तो प्रशासन जो है अभी सुनिश्चित नहीं कर पाया कि हमें कार्रवाई कहाँ करनी है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हिंदुओं के उस मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मस्जिदों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या प्रशासन मुसलमानों से डरता है क्या? जबकि आदेश योगी जी का सभी धर्मों के लिए, सभी मजहब के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए आदेश है, तो एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम विरोध जताने आए हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो योगी युद्ध के कार्यकर्ता अपने स्तर से कार्रवाई को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं, आगरा के मंदिरों, पुजारियों ने लाउडस्पीकर हटा दिए, लेकिन मस्जिदों में अभी भी लाउडस्पीकर लगे हैं। आगरा के अधिकारियों के इस रवैये से आक्रोशित योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आज जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।